Assalamualaikum and welcome back to the channel. उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे. आज हम आए हैं सोपोर और हमने अभी हरदिशवा जो गांव है यहां का ये क्रॉस कर लिया है. हम यमरजल के लिए आए हैं. वहां पे सुना मैंने कि एक केव है, आपके साथ शेयर करेंगे. अभी हमें यहां से तकरीबन 20 मिनट लगेंगे वहां तक. सुनने में आया है बस थोड़ा सा ही ट्रैक करना है केव तक. केव की साइड पे पहुंच चुका हूं और यहां से ही मैं अब अंदर जाना है. यहां से आप देख सकते हो, यहां से, यहां साइड से जाना है, फिर पूरा डाउन जाना है हमें और बाकी आपको दिखाएंगे अंदर. यहाँ से पानी है और फिसलन भी बहुत ज़्यादा है. मैं साइड से क्रॉल करके आई थिंक जा सकता हूँ, बट लाइट का मसला हो जाएगा यहाँ से. फिर भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ. यही नहीं पता यहाँ पे कितना गहरा हो सकता है ये पानी यहाँ पे. मैं जो केव का जो लेफ्ट साइड है पहले मैं इससे आया हूँ. अभी यहाँ से थोड़ा सा अप करके आना पड़ा मुझे. अब मैं डाउन यहाँ से जाऊँगा. बीच में दो जगह पे पानी भी आ रहा है तो लकीली मुझे एक स्टिक भी मिली है अंदर से ही. अब मैं उससे देख रहा हूँ कि पानी की कितनी गहराई है. तो मैं अभी आगे जाऊँगा इससे. आगे भी और दो केव से एक राइट की तरफ जा रही है, वो बहुत नैरो है, और एक आगे जा रही है जो कि अच्छी है, जिसमें से मैं जा सकूंगा. और यहाँ पे आप बहुत सारे बेट्स देख सकते हो और उनका माल यहाँ से हर किसी जगह पे है. पानी का स्टेज मैंने क्रॉस कर लिया है. यहाँ से अब केव नीचे की तरफ जाएगा. अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट बहुत कम है और फिसलन भी बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब यहाँ से बेट्स बहुत ज़्यादा है. आप ये बेट्स का ही मल है, आप देख सकते हो पूरा यहाँ से. जितना मैं अंदर जा रहा हूँ उतनी उतनी ये नेरो हो रही है. जैसे कि ओ यहाँ से बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है ऊपर, आप देख सकते हो पूरा. और यहाँ से फिसलन भी बहुत ज़्यादा है. मैं नहीं चाहता हूँ कि
मैं गिरूं, इसलिए मैं बहुत एहतियात से जा रहा हूं। इट्स बेटर टू गो फ्रॉम दिस साइड। और यहां से बहुत ज़्यादा मल है बेड्स का, ये आप देख सकते हो बेड्स। यहाँ पे बहुत सारे बेड्स हैं। मैं इनके ऊपर लाइट तो नहीं डालूंगा क्योंकि इनको डिस्टर्ब हो जाएगा। बेहतर है कि मैं यहाँ से ही निकल जाऊँगा। ये आप यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, और स्लिप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट चलने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है जितनी स्टार्टिंग पॉइंट पे थी। अब यहाँ से ही जाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, और ये देखिए क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओह वाह, सो नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर लगा मुझे यहाँ पे। ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो कलारूस केव है वहाँ पे उतना नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे देखिए आप पूरा वाइट कलर का है। और ये देखिए पानी कैसे से टपक रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो किसी, मेरे ख्याल में किसी जंगली जानवर के निशान हैं। और ये देखिए सिंह, यहाँ से ये सिंह है, ये कंकाल है, ये किसी जानवर का हेड है। मुझे नहीं पता किसका है क्योंकि नॉलेज नहीं है मुझे। ये फंस चुका है पूरी तरह से। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, अगर आप देख सकोगे तो। ये आप देख सकते हो उस वाले साइड से, और यहाँ से ही मुझे निकलना है, इस कंकाल के ऊपर से जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। और ये देखिए यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप फिर ये देख सकते हो हड्डियाँ। इसके में सोलो आना कोई आसान बात नहीं है। मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं अपना मोबाइल फ़ोन जो दूसरे बंदे के पास था वो नहीं आ सका अभी, तो मुझे मोबाइल फ़ोन लेने के लिए वापस जाना पड़ा। और मैंने अपनी रस्सी वहाँ पे रखी है जो मुझे काम आ सकती है। और यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है तो मैं बीच में तो पैर जाने नहीं दूंगा, मैं साइड्स पे रखूँगा पैर। ये देखिए यहाँ से, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी है और कुछ वाइट कलर के कुछ रॉक्स यहाँ पे है। और मैं अभी वापस जा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि मैं छड़ी लाऊंगा। बीच में यहाँ पे कुछ पानी है, मैं देखूँगा कि वो कितनी गहराई है उसकी, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल में पानी में ही जाना पड़ेगा, और यहाँ से भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा मार्शी कंपनी है, आप देख सकते हो मेरे जूते में भी पानी चला गया है। और यहाँ से अब ना पानी नहीं है। यहाँ से मैं जाने की कोशिश करूँगा अभी।
यार मुझे रेंगते हुए पूरा जाना पड़ रहा है। यहाँ केव में अंदर एक रूम जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको दूर से दिखाऊंगा पूरा। ये आप देख सकते हो ऊपर तक पूरा, ये देखिए एक रूम जितना स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ऊपर तक ये पूरा खाली है। ओह वहाँ तक आप देख सकते हो उस वाले छेद से, ये देखिए यहाँ पे अमेजिंग स्ट्रक्चर है। अभी मैं अबाउट 50 मीटर्स आ चुका हूँ केव में, और यहाँ पे एक रूम जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा इस वाले से। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी। और यहाँ तक आके मुझे बहुत मज़ा आया, और वाटर क्रॉसिंग भी एक दो जगह पे करनी पड़ी। अब देख सकते हो ये जूते मेरे मिट्टी से भरे हुए हैं, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो किसी जंगली जानवर के निशान हैं, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, बट ये आप देख सकते हो ये पाम है और ये उंगलियों का निशान है, 1, 2 और 3, या साइड में भी कुछ है, 1, 2, 3, 4 चार उंगलियों के निशान है। और यहाँ पे भी कुछ किसी ने चढ़ने की कोशिश की है किसी जानवर ने, या देख मेरे ख्याल में बालू है क्योंकि इतने लंबे नाखून उसी के होते हैं, उसने यहाँ पे चढ़ने की कोशिश की है, फिर वो मेरे ख्याल में वापस निकला है। हाइबरनेशन के लिए विंटर में यहाँ पे कोई रह सकता है आराम से, क्योंकि विंटर्स में अंदर गर्मी होती है, और मैंने कोई चीज़ भूल तो नहीं गया नहीं। और मैं अभी ये देखिए अब वाइट कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ से पूरा, और यहाँ से मैं अभी जाऊँगा इसी पानी से, और इस वाले लकड़ी की मदद से मैं देखूँगा कि पानी की कितनी गहराई है, उतनी भी नहीं है, और लेकिन चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे जगह उतनी नहीं है कि किसान आराम से चल सकता। थोड़ा सा ही शॉप है, और यहाँ पे बेड्स है आप देख सकते हो ऊपर, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ज़बरदस्त है, तो पूरा रूम जैसा स्ट्रक्चर है, बड़े रूम जितना है स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो अच्छे से। और अब यहाँ से मुझे जाना है, और मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ, और मुझे 6:30 तक का टाइम दिया गया था, बट अब मैं ओवर टाइम दे रहा हूँ। आई थिंक कि मुझे यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम उतना नहीं है, और यहाँ पे पानी की गहराई बहुत हो सकती है, इसलिए वाटर क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ेगी, साइड से ही जाना पड़ेगा। आप अगर देख सकते हो यहाँ से स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और आराम से जाना पड़ेगा। देख लीजिए किस कलर के पत्थर हैं यहाँ पे, ब्लैक वाइट और वाइट कलर के भी आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ, अभी इस वाले साइड से नहीं है एंट्रेंस, और आगे ही अभी जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर डाउन की तरफ जाना पड़ेगा, और बारिश में तो मेरे ख्याल में ये वाला केव फ्लडेड रहता होगा। देखिए यहाँ पे पूरा बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, मुझे लगा था बस 10-15-20 मीटर या 40 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अब ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं अभी तकरीबन 100 मीटर अंदर आ चुका हूँ,
और आप देख सकते हो अभी भी केव की जो है यहाँ पे थोड़ा सा नेरो है, यहाँ पे थोड़ा सा रेंगते हुए जाना है। स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए कैसा। यहां से भी किसी जानवर के निशान लग रहे हैं मुझे। एक ही रास्ता था अगर राइट या लेफ्ट लें, और यहाँ पे तो केव बंद है। यहाँ पे केव बंद है, इतना ही है मेरे पास तक आज का। थोड़ा सा ट्राई करूँगा इस वाले साइड से, पूरा अंधेरा है इसके यहां से तो नहीं जा सकूंगा। बस इतना ही है, यहाँ पे एंड है, ये केव का एंड है पूरा। तकरीबन मैं 150 मीटर अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे भी मैंने जाने की कोशिश की थी, यहाँ से केव बंद हो गया है। दिस इज द एंड, यहाँ पे तकरीबन मैं 150 मीटर अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से कोई पैसेज नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे मुझे मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जा सकूँगा, बट यहाँ से फिर कोई रास्ता नहीं है। आप भी देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक है, और आप देख सकते हो कहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ नीचे से होके हुए मैं आया हूँ। करीबन मैं 150 मीटर अंदर तक गया, बट मुझे नहीं लगता है वहाँ आगे कोई रास्ता है, मुझे तो नहीं दिखा। ये जो मैंने लेफ्ट वाला साइड किया था केव का, अब मैं देखता हूँ राइट वाले साइड में फिर से मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। मुझे नहीं लगता है वो मैं आज करूँगा, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और हमें बांडीपुरा पहुँचना है, और मेरे साथ 2 और बाइकर्स हैं, 3-4 बंदे हम टोटल हैं, और मैं अकेले यहाँ पर आया सोलो। वो बाहर परेशान हुए होंगे क्योंकि मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है केव में, और वो लोग परेशान होंगे बहुत। मैं अभी वापस निकलता हूँ, और दूसरा वाला साइड में मेरे ख्याल में आज नहीं कर पाऊँगा, वो मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में करूँगा। नेक्स्ट जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह यहाँ पे, तब मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी बोलो जी, अभी क्या लाइट लाइट बंद करो पहले ऊपर। हाँ जी, लेफ्ट साइड मैंने पूरा किया, और जब मैं केव के अंदर गया तो 2 केव्स है, एक लेफ्ट से जाता है जो नेरो वाला है, तो मैंने पहले सोचा कि मैं यही वाला करता हूँ, और मैं तकरीबन 150 मीटर से ज़्यादा ही अंदर गया। तकरीबन 1 घंटा मैं अंदर था, और रूम जैसे स्ट्रक्चर्स भी अंदर है,
बहुत ही ज़बरदस्त जो स्ट्रक्चर है ना केव का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने लायक है। और जब मैं लास्ट तक पहुँचा और वहाँ पे बट वहाँ उससे फिर आगे कोई ये नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, वो एंड था। और वहाँ पे थोड़ा सा पानी था, मैंने उस पानी में भी देखा, वो उतना गहरा नहीं था। आपको पता है आपके लिए मैंने नमाज दो रकात ना हाजात की पढ़ ली कि आप सही सलामत आ जाए। पूरा एक घंटा आपने लिया अंदर।